नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विश्व की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जाना था जहां पर इंसानों का जाना मना है, जो काफी रहस्य से भरी हुई है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थानों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर निस्संदेह प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार है और वास्तव में यह किसी रहस्य से कम नहीं है। माना जाता है कि इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा बिना किसी सहारे से लटका हुआ है, जिससे पृथ्वी को कोई भी भाग नहीं छूता है। दावे सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए पर्यटक इसके नीचे से पतली वस्तुएं निकालते हैं। स्थानीय लोगों की आस्था के अनुसार इस स्तंभ के नीचे से गुजरने वाली वस्तुओं से आपके जीवन में खुशियां आती है। दूसरा, उत्तराखंड के रूपकुंड शहर में स्थित कंकाल झील भारत के रहस्यमय स्थानों में से एक है। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ निर्धारित समय में रूपकुंड झील का बर्फीला पानी पिघलने से 200 मनुष्यों के छिपे हुए कंकाल के अवशेष देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के अनुसार यह कंकाल लगभग 1200 साल पहले के माने जाते हैं। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार यह कंकाल राजा जसधावा और उनके सहयोगियों के माने जाते हैं, जो नंदा देवी को श्रद्धांजलि देने गए थे। अभिषेक के लिए संगीत बजाते और नृत्य करते समय देवता उनसे क्रोधित हो गए और भूस्खलन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। रूपकुंड का ट्रेक अभी भी उत्तराखंड में प्रसिद्ध ट्रेकिंग मार्गों में से एक है। तीसरा, राजस्थान को हम राजा महाराजाओं का राज्य मानते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ राजस्थान अपने आप में ढेर सारे गहरे राज भी समेटे हुए हैं। राजस्थान की रीगल भूमि के देश नोक टाउन में स्थित करणी माता के मंदिर चूहे की आबादी की वजह से रहस्यमयी माना जाता है। यह पहलू इस मंदिर को असामान्य बनाता है कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे हैं और चूहों का जूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है, जिसे वहाँ प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और इसके अलावा यह माना जाता है कि अगर एक चूहा मारा जाता है तो उसके स्थान पर सोने से बने चूहे को इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, आपने चीन की महान दीवार के बारे में सुना होगा। वैसे ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुंभलगढ़ किला भी एक विशाल दीवार को समेटे हुए है, जो कुंभलगढ़ किले की परिधि के आसपास बनी हुई है, जो 36 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। आपको यह जानकर भी हैरानी हो सकती है कि इसकी चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। यह दीवार भारत में संरक्षित विरासत स्थलों में से एक है। यह चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसके अलावा यह अभी भी अधिकांश खोजकर्ताओं के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार इस दीवार को किले के अंदर स्थित 3,000 प्रधान मंदिरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। पांचवा, दोस्तों, लद्दाख की मैग्नेटिक हिल किसी रहस्य से कम नहीं है। इस पहाड़ी पर कार अपने दम पर या बंद अवस्था में लुढ़कती हुई दिखती है। इन कारों का आकर्षण चुंबकीय बल के कारण माना जाता है। वास्तव में यह चुंबकीय कारण ही है। ये पहाड़ियाँ चुंबकीय अवधारणा से संबंधित है। फिर भी यह रहस्यमय जगह लद्दाख की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों का ध्यान प्रभावी रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर सिक्स, आपने रामायण की कहानी में लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र पर बनाए गए पत्थरों के तैरते हुए पुल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि किसी रहस्य से कम नहीं है। ठीक उसी प्रकार ऐसे पत्थरों के अवशेष आज भी रामेश्वरम में पाए जाते हैं। इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम अभी भी लिखा हुआ है और ये पत्थर पानी से भरे बर्तन में रखे जाने पर तैरते हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। सातवां, दोस्तों, शनि देव कर्म फलदायक देवता माने जाते हैं। इसे अभी सिद्ध भी कर देते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का शनि शिगनापुर गांव एक अनोखा गांव किसी रहस्य से कम नहीं है। यहां के किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। इसके अलावा वे अपनी कीमती चीजों को बंद नहीं करते। यह शनि शिगनापुर में यह माना जाता है कि भगवान शनि गांव की रक्षा करते हैं और वह उस व्यक्ति को दंडित करते हैं जो यहाँ किसी भी तरह का अपराध करने की कोशिश करता है। वास्तव में यह गांव किसी रहस्य से कम नहीं है। आठवां, आपने एक शांत और शानदार समुद्र तट की हमेशा ही कल्पना की होगी, लेकिन उड़ीसा का यह समुद्री तट आपको किसी रहस्य से कम नहीं लगेगा। यह समुद्री तट जो उच्च ज्वार के कारण गायब हो जाता है और ज्वार कम होने के बाद यह फिर से दिखने लगता है। उड़ीसा का यह तट हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, किले और उनकी कहानियां तो सुनी ही होंगी हमने, मगर क्या आप शनिवार वाड़ा के किले के बारे में जानते हैं? इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बच्चे की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। यह बच्चा सारे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसीलिए हथियारों ने उस बच्चे को ढूंढ कर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज इस किले से कभी कभी आती रहती है। नंबर 10, दोस्तों, सबसे अधिक खतरनाक किलों की लिस्ट में सबसे आगे है भानगढ़ का किला, अजबगढ़, राजस्थान। इस किले को राजस्थान की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। जंगलों के बीच मौजूद इस किले के डरावने होने के पीछे की एक कहानी भी सुनाई जाती है।
कहा जाता है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था और काला जादू करके वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, जिसके बाद राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि इसी वजह से आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती है। नंबर 11, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बनकर यहां भटक रही है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती है। इस स्थान को सैनिकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। नंबर 12, अग्रसेन की बावली। पीके मूवी तो आप सब ने देखी होगी, तो ये अग्रसेन की बावली के बारे में सुना ही होगा, मगर रियल लाइफ में कुछ और ही है। दोस्तों, अग्रसेन की बावली दिल्ली में स्थित है। यहाँ का शांत और सन्नाटे वाला वातावरण सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह बावली एक संरक्षित स्मारक है और दिल्ली के पर्यटक स्थलों में से एक है। अग्रसेन की बावली सबसे पहले कब बनाई गई थी, इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि इस बावली को महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के राजा ने बनवाया था, जिसके नाम पर इस बावली का नाम पड़ा। 14वीं शताब्दी में अग्रवाल समुदाय द्वारा इसे फिर से बनाया गया। यह बावली न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि सामुदायिक स्थान के तौर पर निर्मित की गई थी। माना जाता है कि उस वक्त की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और यहां के शांत वातावरण में आराम कर गर्मी से बचती थी। इस बावली की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। नंबर 13, 16,970 फीट की ऊंचाई पर कोंका ला दर्रा भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र होने के कारण भारत में सबसे कम पहुंच वाली जगहों में से एक है, लेकिन ऐसा नहीं है जो इसे भारत की सबसे रहस्यमय जगह में से एक बनाता है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार कई यूएफओ के साथ साथ ह्यूमनॉइड्स के अजीबोगरीब आंकड़े भी देखे गए। इतना कि आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि यह इलाका एलियंस का घर है। नंबर 14, दोस्तों, भारत में नदी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी और नर्मदा घाटी की सभ्यता का रहस्य आज भी बरकरार है। यह सभ्यताएं रहस्यमयी और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी हैं। यहाँ की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। नए शोध के अनुसार यह सभ्यता 8000 ईसा पूर्व से ही यह सभ्यता विद्यमान थी, परंतु 1500 ईसा पूर्व यहाँ बहुत बड़ी उधर पुथल होने का अनुमान है। नंबर 15, क्या आपको मालूम है, भारत में एलियन के रहने या वहाँ आने के कई स्थानों को ट्रेस किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाओं के पत्थरों पर उकेरे चित्र यही कहते हैं, यहाँ पर आसमान से कोई उतरा था। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी J.R. भगत कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखते हैं और कुछ चित्र उड़न तश्तरी के भी हैं। एलियन के सबूत हिमालय, ओडिशा, नर्मदा घाटी, छत्तीसगढ़, अजंता एलोरा, महाबलीपुरम, द्वारिका, कैलाश पर्वत आदि जगहों पर पाए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखना पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस को आप देख पाएं। और हाँ, रहस्य रचनाओं और तथ्यों से जुड़ी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।